इंडियन एविडेंस एक्ट में अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप लोगों को पिछले लेक्चर में सेक्शन 6 पढ़ाया जा रहा था। सेक्शन 6 में काफ़ी कुछ बताया गया, कुछ बातें इसमें बची हैं। एक धारा 6 पे या रेह जेस्टे पर जो पूछा जाता है, प्रथम वाद पूछा जाता है कि रेह जेस्टे पर प्रथम वाद कौन सा है, फर्स्ट सूट कौन सा था रेह जेस्टे पर, उसको प्री के लिए तैयार करना है। प्रथम वाद आपका जो था थॉमसन बनाम ट्रिवेनियन, थॉमसन वर्सेज ट्रिवेनियन का केस था। ये केस जो है आपका 1665 का है, अर्थात यह केस आपका 1665 का केस है, 1695 का केस है। और जस्टिस कभी काल पूछे तो होल्ट मारना है, यानी कि जस्टिस होल्ट। देखिए, जहाँ तक जस्टिस होल्ट की बात है, जस्टिस होल्ट के बारे में पिछली बार बिहार सिविल जज में भी पूछा गया था, और वह पूछा गया था एसबी बनाम वाइट। एसबी आपका अपकृत्य विधि में पूछा गया था, एफसी वर्सेज वाइट के केस में भी आपका जस्टिस होल्ट ही थे। ये पूछा गया था कि एसबी बनाम वाइट का केस किससे संबंधित है, तो इलेक्शन या निर्वाचन से। इसमें जज का क्या नाम था, ये बिहार सिविल जज में पूछा गया है। तो अपकृत विधि में भी इन जज को याद रखना है। इसके बाद आपका जो धारा 6 से क्वेश्चन बनता है, बताया भी गया था कि संबंधित तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत, यानी कि रेह जेस्टे को संबंधित तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक और केस है रेह जेस्टे पर, वो देख लिया जाए। आर वर्सेज फोस्टर का केस है, यह केस भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार सेक्शन 6 में जो भी बातें थी वे बातें अब समाप्त हो गई। आइए इसके बाद चला जाए धारा 7 और धारा 8 से प्री मेंस और इंटरव्यू में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि धारा 7 से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आइए रेह जेस्टे के कुछ अंश, यानी कि आपका एक ही संव्यवहार के कुछ अंश आपका धारा 7 में भी पाया जाता है। धारा 7 में किन किन तथ्यों को, किन किन फैक्टों को, किन किन बातों को उचित माना गया है, रेलेवेंट माना गया है, सुसंगत माना गया है। आइए धारा 7 देखा जाए। पहले हेडिंग देखी जाए, वे तथ्य यानी कि वे फैक्ट जो विवादक तथ्यों के, यानी कि फैक्ट इन इशू के प्रसंग हैं। पहला शब्द हेडिंग में दिया गया है प्रसंग है। दूसरा आपका हेतुक है। और तीसरा आपका दिया गया है परिणाम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तथ्य विवादक तथ्यों के प्रसंग
प्रसंग का मतलब आपका हुआ कह सकते हैं ओकेजन। ओकेजन का आपका मतलब हुआ अवसर। ओकेजन का मतलब हुआ अवसर। अवसर का मौका। अवसर का मतलब हुआ मौका। यानी कि जो बातें किसी घटना को घटित होने का प्रसंग प्रदान करती हैं, अर्थात अवसर प्रदान करती हैं, मौका प्रदान करती हैं, उस अवसर को भी मौके को भी साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात ये दिखाया जा सकता है कि हजूर अभियुक्त के पास इस अपराध को करने का अवसर था। जैसे कि आप लोगों के भी पास अवसर हैं, अवसर ये हैं कि परीक्षाएं होने वाली हैं और इस अवसर का आप लाभ उठाइए, यानी कि जितनी मेहनत करनी हो करिए और ये मौका चूकने ना पाए। यानी कि आपको भी आयोगों ने अवसर दिया है, मौका दिया है, इस मौके पर आप चौका मारिए, छक्का मारिए। यानी कि प्रत्येक घटना जब अभियुक्त ज़्यादातर घटनाएं करता है तो वह अवसर की तलाश में रहता है, मौका खोजता है, ओकेजन की तलाश में रहता है और अवसर मिलते ही घटना को अंजाम दे देता है। जैसे एक उदाहरण आपका छिनैती का देखिए, यानी कि राबरी का, यानी कि लूट का। मान लीजिए ये एक आदमी है, रास्ते में जा रहा है, सुनसान इलाका है, बाइक वाले आए और ए का मोबाइल छीन कर भाग गए, तो बाइक वालों को मौका मिला, अवसर मिला। क्यों अवसर मिला? क्योंकि वह इलाका सुनसान था। दूसरा शब्द आया है हेतुक। हेतुक मतलब काज। काज का मतलब ये हुआ कारण। काज का मतलब होता है कारण। यानी कि प्रत्येक ज़्यादातर घटनाएं किसी न किसी कारण या रीजन या काज से ही होती हैं। तो जो कारण होते हैं, जो रीजन होते हैं, उन्हें भी धारा 7 में रेलेवेंट बनाया गया है, सुसंगत बनाया गया है। और तीसरा है आपका परिणाम। परिणाम का मतलब इफेक्ट हुआ। इफेक्ट का मतलब ये हुआ प्रभाव। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। यानी कि प्रत्येक घटना या ज़्यादातर घटनाएं कुछ न कुछ अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। वे जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं या परिणाम होते हैं, उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अगर जहर किसी को दिया जाए तो ऐसी दशा में अगर जहर दिया जाए तो वह व्यक्ति मुख से गाज यानी कि गाज फेंकेगा, तो गाज फेंकना जहर देने का परिणाम है। जैसे ट्रेन दुर्घटना हो गई, इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी कमीशन ने ट्रेन दुर्घटना का परिणाम या माने ट्रेन देखिए, फिर एक बार दूसरा उदाहरण देखिए, छोड़ दीजिए। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि एक तो जहर वाला और दूसरा इसमें पूछा जाता है पैरों के निशान। पैरों के निशान में आपको ये देखना है कि गुत्थम गुत्थी, यानी कि ये एक व्यक्ति हैं जो मरा पड़ा है और जहां वह मरा पड़ा है उसके कई पैरों के चिन्ह इधर उधर दिखाई दे रहे हैं अस्त व्यस्त। इसका मतलब है, इसका परिणाम है कि ए ने मरने के पूर्व अभियुक्तों से लड़ाई की होगी, तभी तो पैरों के चिन्ह बिखरे हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ आपका ये भी बनता है कि पैरों के चिन्ह किस धारा में रेलेवेंट होंगे, तो आपका जवाब रहेगा
धारा 7 किस रूप में रेलेवेंट होंगे, तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि प्रभाव के रूप में या परिणाम के रूप में। आइए बेयर एक्ट को देखा जाए, एक एक शब्दों को आपका बेयर एक्ट को तोड़ा जाए, उसके बाद आपका समझाया जाए और फिर इलस्ट्रेशन बताया जाएगा। लेकिन प्री का क्वेश्चन आपका पहले बना लिया जाए। प्री का जो क्वेश्चन बनता है कि धारा 7 में कौन सी बातें सुसंगत हैं, दे देगा आपका प्रसंग, दे देगा फिर, दे देगा हेतुक, दे देगा और आपका फिर, दे देगा परिणाम, दे देगा परिणाम और चौथा ऑप्शन देता है उपर्युक्त सभी। तो इस अगर इस मॉडल से आपका क्वेश्चन बनता है तो आप उपर्युक्त सभी पर टिक मारिए। दूसरा जो मॉडल आपका बनता है वह ये बनता है कि धारा 7 में कौन सुसंगत नहीं है, कौन बात सुसंगत नहीं है। तीन बातें तो ये दे देगा, प्रसंग, हेतु और परिणाम, लेकिन चौथी बात ही एक भिन्न बात देगा, जैसे हेतु दे दिया, हेतु दे देगा या दे देगा आचरण, दे सकता है आचरण भी दे सकता है या आपका तैयारी भी दे सकता है। तो सतर्क रहना है, धारा 7 में हेतु सुसंगत नहीं है, न ही आचरण सुसंगत है, न ही तैयारी सुसंगत है। तो ये किस सेक्शन में सुसंगत है? धारा 8 में। एक बार जो मॉडल बना है वह देख लिया जाए मॉडल कि धारा 7 में कौन बातें सुसंगत हैं। आपका देखिए क्या क्या दिया है, हेतु दिया है तो हेतु सुसंगत है नहीं। फिर दूसरा दिया है तैयारी, तो तैयारी भी धारा में सुसंगत नहीं है। तीसरा दे देगा प्रसंग, प्रसंग और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रसंग मारना है, प्रसंग की जगह एक बार MPADPO ने हेतुक लिख दिया था, प्रसंग की जगह रीजन या हेतुक लिखा था, तो धारा 7 में रीजन या हेतुक सुसंगत हैं, हेतु तैयारी और कंडक्ट या आचरण ये धारा 8 में सुसंगत है। आइए अब बेयर एक्ट की बातों को देखा जाए। बेयर एक्ट में क्या बताया गया है, इस मॉडल को अच्छे से तैयार रखिए। एक एक शब्दों को आपको पढ़ना है, धारा 7 में एक एक शब्दों को पहले तोड़ा जाए। देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिए। बेयर एक्ट ये बताता है कि वे तथ्य यानी कि वे फैक्ट, वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के, यानी कि धारा 7 में उन तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के अव्यवहित हो, अव्यवहित, इसको हम बताएंगे अव्यवहित हो या अन्यथा का मतलब अदरवाइज यानी कि किसी अन्य प्रकार से, या अन्यथा विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का प्रसंग हो यानी कि ओकेजन हो, या हेतुक हो, हेतुक हो, या अगला दे रहा है परिणाम हो, इफेक्ट हो, परिणाम हो, इफेक्ट हो, फिर आपका दे रहा है या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए, यानी कि आप
धारा 7 में वस्तु स्थिति को भी एविडेंस में पेश कर सकते हैं। वस्तु स्थिति का मतलब हालात, कंडीशन या परिस्थिति, यानी कि किस परिस्थिति में घटना घटित हुई, या उसको भी आप साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं, या जिसने उसके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया, यानी कि घटना के घटने का यानी कि होने का, या संव्यवहार का यानी कि ट्रांजैक्शन का अवसर जो देती हैं परिस्थितियां या जो बातें, वे अवसर भी सुसंगत हैं। यानी कि धारा 7 में आप देख रहे हैं कि जो बातें फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से अव्यवहित हैं, प्रसंग हैं, हेतुक हैं, परिणाम हैं, हालात बताती हैं, या जिसने घटना को घटित होने का या संव्यवहार का अवसर प्रदान किया, उस वे सभी बातें धारा 7 में रेलेवेंट बनाई गई हैं। पहली बात हमें देखना है, एक एक करके इन्हीं को समझना है। पहली बात हमें देखना है अव्यवहित। अव्यवहित को, ये जो अव्यवहित शब्द हैं, ये दिखाता है कि धारा 7 में भी रेह जेष्ठे का कुछ अंश पाया जाता है। अव्यवहित शब्द को देखिए, अव्यवहित को इंग्लिश में कहते हैं इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब ये हुआ तात्कालिक। तात्कालिक भी इसे कहा जाता है, तात्कालिक, या इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है समीपवर्ती, या इसको कहा जाता है पास में, या इसको कहा जाता है निकटवर्ती भी कहा जाता है। तो जो बातें विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के पास हैं, निकटवर्ती हैं, वे बातें भी धारा 7 में रेलेवेंट बनाई गई हैं। निकटवर्ती बातें रेह जेष्ठे या एक ही संव्यवहार को बताती हैं। जहाँ तक अव्यवहित की बात है, अव्यवहित आपका ये जो क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है, और इंटरव्यू में जाकर जुरिस्प्रूडेंस में पूछा गया है, यानी कि इसको जब भी पढ़िएगा विधि शास्त्र से जोड़ कर पढ़िएगा, विधि शास्त्र या जुरिस्प्रूडेंस से जोड़ कर पढ़िएगा। जुरिस्प्रूडेंस में जो पजेशन होता है, कब्जा होता है, एक तो अव्यवहित कब्जा होता है और दूसरा व्यवहित कब्जा। देखिए इसको, आपका अव्यवहित कब्जा, व्यवहित कब्जा, इमीडिएट पजेशन और मीडिएट पजेशन, या आधिपत्य या कब्जा। जब किसी व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के पास कब्जा रहता है, उसका कब्जा अव्यवहित, और जब दूसरे के माध्यम से कब्जा पाता है, तो उस कब्जे को व्यवहित कब्जा कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास पेन है, ये मेरे हाथ में है, इस पर हमारा कब्जा तात्कालिक है, तो ये अव्यवहित कब्जा कहा जाएगा। और जैसे कि पेन मेरा दूसरे के पास हो और उस पेन पर मेरा कब्जा हो, तो वह कब्जा व्यवहित कब्जा कहलाता है। आपका UPAPO इंटरव्यू में पूछा गया, और वह पूछा गया IPC की धारा 27। IPC की धारा 27 से क्वेश्चन बना
की धारा 27 में किस कब्जे की बात की गई है, अव्यवहित की व्यवहित यानी कि मीडिएट की नहीं इमीडिएट की मीडिएट, तो आपका जवाब रहेगा मीडिएट पजेशन यानी कि कुछ दशाओं में पत्नी का कब्जा भले ही संपत्ति पर हो लेकिन पत्नी अपने लिए कब्जा न रखकर उस संपत्ति पर पति के लिए कब्जा रखती है, यानी कि पति अपनी पत्नी के माध्यम से कुछ संपत्तियों पर कब्जा रखता है, तो जो पति का कब्जा है वह मीडिएट पजेशन या व्यवहित कब्जा कहा जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखिए। यानी कि धारा 7 में पहला नियम ये मिला कि जो बातें फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के पास हैं, नज़दीक हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, वे बातें भी सेक्शन 7 में एविडेंस के रूप में सुसंगत होगी और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकेंगी। आइए दूसरा देखा जाए, आपका दूसरा जो शब्द है प्रसंग है। प्रसंग का मतलब ये हुआ ओकेजन, ओकेजन का मतलब ये हुआ अवसर, अवसर अवसर का मतलब मौका। जब भी अभियुक्त कोई घटना कारित करता है तो वह मौके की तलाश में रहता है और जैसे ही मौका मिलता है उसे उस घटना को वह अंजाम दे देता है, अर्थात उस घटना को कारित कर देता है। मौके के बारे में, अवसर के बारे में एक दो उदाहरण देखा जाए, जैसे कि इस समय सुशांत सिंह का केस चल रहा है तो रिया चक्रवर्ती को ही देखिए। जैसे ही रिया चक्रवर्ती को मौका मिला वह कह सकते हैं कि सुशांत का बैंक बैलेंस यानी कि खाते से पैसा निकाल लेती थी तो अवसर ढूंढती थी कि कब अवसर मिले, कब मौका मिले तो मैं इनका खाता खाली कर दूं। उसी प्रकार आपका आर वर्सेज रिचर्डसन का केस है, आर वर्सेज रिचर्डसन का केस है, रिचर्डसन का भी केस है आपका मौका पर। और आर बनाम रिचर्डसन के केस में अभियुक्त ने ये देखा कि लड़की घर में इस समय अकेली है तो चलो अच्छा अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाया जाए और लड़की की हत्या ही कर डाला। तो आर बनाम रिचर्डसन का केस भी इस पर महत्वपूर्ण है। प्रसंग या अवसर पर जो उत्तम उदाहरण दिया गया है धारा 7 का उदाहरण नंबर 3 यानी कि धारा 7 का उदाहरण नंबर आपका कह सकते हैं कि जो उदाहरण नंबर आपका 3 है यानी कि कह सकते हैं वह उदाहरण नंबर 3 इस विषय पर प्रसंग पर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए क्या है, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया यानी कि क्या ए ने बी को विष या जहर दिया, प्रश्न ये है। ऐसी दशा में आपका विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिसमें विष देने का अवसर मिला यानी कि इसका मतलब ए बी की आदतों को जानता था और जानते हुए उन आदतों के अनुक्रम में ही ए ने एक दिन बी को विष दे दिया और विष पीकर
यानी कि भी आपका मर गया, यानी कि एक को मौका मिला क्योंकि वह आदतों को जानता था। इस विषय पर जो केस है आपका, आदतों को जानने पर उसको भी अच्छे से देखना है। आपका कह सकते हैं एक तो आर बनाम रिचर्डसन का केस आपको देखना है, वह केस आपका बताया जा चुका है। अगला देखिए आपका अवसर के बाद जो आपका रेलेवेंट बनाया गया है वह हेतुक है, यानी कि दूसरा शब्द आपका हेतुक है या रीजन। आइए देखा जाए जहाँ तक कारण की बात है या रीजन की बात है, आपका दूसरा जो शब्द है धारा सात में रेलेवेंट बनाया गया है कारण। तो जो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटित होने का कारण बताते हैं, हेतुक बताते हैं, रीजन बताते हैं, धारा सात में सुसंगत होते हैं। कारण से ये पता चलता है कि इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, यानी कि इस घटना के घटित होने के पीछे क्या रीजन थे। दूसरी बात आपको समझनी है कि जहाँ तक कारण की बात है, ये कारण अपराध के आवश्यक तत्व नहीं होते, ये अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है, लेकिन घटना के घटित हो जाने के बाद कारण का साक्ष्य दिया जा सकता है कि हजूर इस कारण से ये घटना कह सकते हैं घटित हुई। आइए आपका देखा जाए कह सकते हैं इस कारण से घटना घटित हुई। कारण से घटना किस माने रीजन से हुई ये बात पता लगता है, जैसे कि ट्रेन दुर्घटना हो गई, जांच हुई, ट्रेन दुर्घटना किस कारण से हुई, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट भी धारा सात में सुसंगत होगी। आपका एयरलाइन मान लीजिए विमान दुर्घटना हो गई और विमान दुर्घटना के लिए जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी ने कह सकते हैं कुछ बातें बताई दुर्घटना के कारणों को, तो वे कारण भी रेलेवेंट धारा सात में होंगे। तीसरी बात जो धारा सात में आपका अगली बात है जो रेलेवेंट बनाया गया है, परिणाम, परिणाम या इफेक्ट या प्रभाव। ज़्यादातर घटनाएं कुछ न कुछ परिणाम छोड़ ही जाती हैं, तो जो घटना के घटित होने का परिणाम होता है वह परिणाम भी धारा सात में सुसंगत होगा। जहाँ तक धारा सात के सुसंगत की बात है, आपका परिणाम सुसंगत होगा और सबसे अच्छा उदाहरण धारा सात का दृष्टांत नंबर बी में बताया गया है। देखिए प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी की हत्या की, प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी की हत्या की, उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह, यानी कि जो पैरों के चिन्ह बने हैं, पैरों के चिन्ह अस्त व्यस्त बने हैं, ये आपका उस घटना का परिणाम बताते हैं, इफेक्ट बताते हैं, अर्थात मरने वाला कह सकते हैं कि ऐसे नहीं मरा होगा, पूरी तरह वह अभियुक्तों का विरोध किया होगा, लड़कर ही मरा होगा, तभी तो पैरों के चिन्ह इधर उधर बिखरे हैं। सबसे उत्तम दृष्टांत आपका इसका भी है, इसको अच्छे से तैयार रखना है। परिणाम के बाद आइए अगला आता है आपका वास्तविकता या वस्तु स्थिति।
यानी कि वे कंडीशन, वे हालात या वे परिस्थितियां या वे वस्तु स्थितियां जो किसी घटना को घटित होने का अवसर प्रदान करती हैं, वे वस्तु स्थिति भी आपका सुसंगत होता है। आइए देखा जाए, वस्तु स्थिति देखा जाए, केस इसमें आपको पढ़ना है रटन वर्सेज क्वीन का। याद रखिएगा, रटन वर्सेज क्वीन का केस पढ़ना है। ये केस में धारा 6 में बताया था, इसमें जस्टिस याद रखिएगा, जस्टिस विल्वर फोर्स, जस्टिस विल्वर फोर्स थे और इन्होंने आपका कह सकते हैं विल्वर फोर्स थे, इन्होंने रेजेस्टे को साइंटिफिक तरीके से अर्थात वैज्ञानिक तरीके से बताया। इसमें हुआ क्या था फिर एक बार देखा जाए। ये एक महिला थी और जो पुलिस को फोन करती हैं उसकी आवाज़ भर्राई हुई रहती हैं। वह केवल और केवल अपना नाम बता पाती हैं, पता बता पाती हैं। तब तक आवाज़ ठप पड़ जाती हैं। जब पुलिस जाती हैं तो एक ही मृत हो गई रहती हैं और एक को गोली लगी रहती है। जस्टिस विल्वर फोर्स ने रेजेस्टे के प्रति लिबरल दृष्टिकोण अपनाया और जो ये स्त्री फोन से पुलिस को बताई थी, घबराई हुई थी, आवाज़ भर्रा रही थी, ये बातें धारा 6 में रेजेस्टे के रूप में सुसंगत मानी गई। तो धारा 7 हमें देखना है, हालात क्या थे, वस्तु स्थिति क्या थी। तो जो रटन था यानी कि जो उसका पति था, आपका रटन यानी कि जो पति था, हालात क्या थे, ये दूसरी स्त्री से प्रेम करता था और अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था और अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी की ही हत्या कर दिया। तो आपका हालात ये था कि वह दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंसा था, इसलिए अपनी पत्नी से छुटकारा या मुक्ति पाना चाहता था। अब आइए अगला जो आपका है कि जो वे तथ्य जो किसी घटना को घटित होने या किसी संव्यवहार को घटित होने का अवसर या आपका अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं, वे तथ्य भी धारा 7 में सुसंगत घोषित किए गए हैं। इस विषय पर आपका जो केस है आर वर्सेज डोने नल का केस है, इसी को याद रखना है। इस केस में देखिए क्या हुआ। मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं जो बीमार हैं, इसकी माँ बना लिया जाए बी। इसकी माँ क्या करती थी कि ये बीमार रहता था, यहाँ अलमारी पर दवा की शीशी रखी जाती थी, इसकी माँ आती थी, अलमारी से दवा की शीशी उठाती थी, ए को पिला देती थी। जो सी अभियुक्त था इस हालात या संव्यवहार के बारे में पूरी तरह अवगत था। एक दिन सी ने क्या किया, अभियुक्त ने क्या किया कि जहां शीशी दवा की रखी जाती थी, अभियुक्त ने दवा की शीशी हटा ली और वहां जहर की शीशी रख दी। उस आपका बीमार की माँ आई और दवा की शीशी समझकर अपने ही पुत्र को जहर की शीशी पिला दी और उसका पुत्र मर गया। यानी कि सी उन हालातों को जानता था
जिन हालातों ने उसे घटना को घटित करने का अवसर प्रदान किया, मौका प्रदान किया। अतः ऐसी दशा में ये तथ्य भी रेलेवेंट माना जाएगा। बस धारा सात में एक दृष्टांत और बचा है। पहला दृष्टांत, दो दृष्टांत मैं बता ही दिया हूँ। देखिए पहला प्रश्न यह है कि क्या को ने ख को लूटा, यानी कि क्या ए ने बी को लूटा, ये क्वेश्चन है। क्या ए ने बी को लूटा, ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, यानी कि लूट के कुछ समय पूर्व बी धन लेकर किसी मेले में गया, फेयर में गया, और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को बी ने धन को दिखाया, तब तक अभियुक्त भी देख लिया होगा और अवसर की तलाश कर रहा होगा, और जैसे ही मेले में अवसर मिला ए ने बी को लूट लिया होगा। तो ये आपका अवसर या ओकेजन पर उदाहरण था। इस प्रकार धारा सात आपकी समाप्त होती है। अब आइए धारा आठ देखा जाए। जहाँ तक धारा आठ की बात है, धारा आठ से भी लगातार आपका क्वेश्चन बनता रहता है। धारा आठ से लगातार क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका धारा आठ में तीन तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है। एक तो हेतु यानी कि मोटिव या ध्येय या दूरवर्ती उद्देश्य, दूसरा तैयारी या प्रिपरेशन तैयारी, और तीसरा आपका कंडक्ट या आचरण। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, प्री में भी मेंस में भी। आइए पहले हेतु को समझा जाए, फिर तैयारी को हम समझाएंगे, और फिर आचरण को। देखिए आपका आचरण यानी कि कंडक्ट, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, घटना के पूर्व का आचरण यानी कि प्रीवियस कंडक्ट, और घटना के पश्चात का आचरण, बाद का आचरण, दोनों आचरण सुसंगत बनाया गया है। बताएंगे डिटेल में। तैयारी हम बताएंगे। तैयारी अपराध के चार चरण होते हैं। पहला व्यक्ति के मन में इंटेंशन आता है, आशय आता है, फिर वह तैयारी करना शुरू करता है। तैयारी के बाद वह प्रयत्न करता है, और प्रयत्न के बाद कार्य पूर्ण कर लेता है। तो अपराध के दूसरा चरण तैयारी मानी जाती है। और हेतु आपका मोटिव या ध्येय या लक्ष्य, लक्ष्य हम कहें, या मोटिव या ध्येय या दूरवर्ती कह सकते हैं उद्देश्य। सबसे पहले एक उदाहरण समझिए ताकि कुछ बातें आपके दिमाग में बैठे, उसके बाद इन शब्दों को डिटेल में हम बताएंगे। धारा आठ अच्छे से पढ़ना है, के सहित पढ़ना है, उदाहरण सहित पढ़ना है। देखिए धारा आठ में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति हैं और चाय की दुकान पर चाय पी रहा है। तब तक लोगों ने कहा कि कल जो घटना हुई थी उस अभियुक्त को खोजने पुलिस इधर आ रही है, और ए आधी कप चाय पिया था, आधी कप चाय छोड़कर उस जगह से बिना कुछ कहे ही फरार हो जाता है। तो उसका ये सबसिक्वेंट कंडक्ट हैं, पश्चातवर्ती आचरण हैं। इससे एक अनुमान निकलता है कि हो सकता है ए ने ऑफेंस किया हो, यानी कि ये उदाहरण जो फरार होने वाला है। धारा
आठ में खूब पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले एक उदाहरण देखिए, आपका तीन शब्दों को हम बता रहे हैं, हेतु को यानी कि मोटिव को, इसके बाद रीजन यानी कि कारण को यानी कि हेतु को, और तीसरा इंटेंशन यानी कि आशय को। तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस है। तीनों पहले समझिए, मोटिव, रीजन, इंटेंशन। देखिए, एक बनाया जाए आपका, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, इसकी पत्नी बी है, ए पति हो गया और बी इसकी पत्नी हो गई। ए पति हो गया, बी पत्नी हो गई, और आपका तीन बच्चे बना लिया जाए, सी डी और ई। ये इनके तीन बच्चे हैं, टोटल जो कुनबा हो गया, परिवार हो गया, पांच लोगों का हो गया। यानी कि मान लीजिए ये पांच लोग पांच दिनों से भूखे थे, पांच दिनों से भूखे हैं। अब ए जाता है और एक दुकान से एक 10 रुपया का ब्रेड बिना पैसा दिए हुए लेकर भागता है। ऐसी दशा में ए ने चोरी या थेफ्ट का अपराध किया, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंटेंशन क्या था, यानी कि पहला इसमें आपको देखना है आशय क्या था। जहाँ तक आशय की बात है, जब ए ब्रेड को उठा रहा था, यानी कि जब ए ब्रेड को उठा रहा था, तो उसका इरादा यही था कि वह ब्रेड का पैसा दुकानदार को नहीं देगा। यानी कि ब्रेड हटाते समय उसका आशय डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी का था। अतः ऐसी दशा में ए चोरी का अपराध किया। अब ये आया कि किस कारण से वह चोरी का अपराध किया, क्या रीजन था। तो रीजन ये था कि ए और उसका परिवार पांच दिनों से भूखा था, यानी कि भूखा होना ये चोरी का कारण है। जैसे कि वर्तमान समय में भी आपका स्थितियां विपरीत हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो अपराध बढ़ने का कारण क्या है। तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, उनको 2 जून की रोटी भी नहीं नसीब हो रही है, तो पापी पेट के कारण कहिए लोग अपराध ज़्यादा कर रहे हैं। इसी कारण वर्तमान समय में अपराधों में बढ़ोतरी आई है। अब हेतु क्या था, हेतु का मतलब ये हुआ कि कौन सी वह बात है जो उसे बार बार अंदर ही अंदर उत्प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, कचोटती हैं। तो वह कौन सी बात उसे, ए को कौन सी बात कचोटती थी, तो ए को यह बात कचोटती थी कि मैं तीन बच्चों का पिता और मेरी पत्नी है, और मैं पति होते हुए भी, वयस्क होते हुए भी, मैं इनका भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, गुजारा नहीं कर रहा हूँ, लानत है मुझ पर। ये बातें उसके दिमाग में बार बार आपका कह सकते हैं कि अटैक कर रही थी, बार बार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, या बार बार उसे उत्प्रेरित कर रही थी। धन्यवाद।